सर दोस्तों सब लोग कैसे हो, आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। एंड ये वाला फोटो मैं इंस्टा पर डाला था एंड आप लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड था कि भाई इसके ऊपर ट्यूटोरियल डालो ट्यूटोरियल डालो, लेकिन जब यहाँ पे ट्यूटोरियल डालता हूँ भाई व्यूज ही नहीं आता है। अभी जो ये चैनल मेरा चैनल है भाई थोड़ा सा डाउन चल रहा है, मतलब बोल सकते हो कि फ्रीज हो गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हुए मुझे पता है, लेकिन अभी इस टाइम पे आप लोगों का और भी मुझे सपोर्ट का जरूरत है। जैसे कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है आप लोगों को शायद पता होगा, तो भाई YouTube का जो एल्गोरिथम है, मान लो ये वीडियो 10 मिनट का है तो आप लोग अगर 50% भी वॉच कर लेते हो, लगभग 5 मिनट या 6 मिनट भी वॉच कर लेते हो, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा रीच मिलता है, वायरल होने का चांस रहता है, ठीक है। और अगर कमेंट करते हो उससे भी रीच मिलता है। तो भाई कमेंट लाइक एंड शेयर और इस वीडियो को लगभग 5 मिनट तक देख लेना भाई, ठीक है। तो भाई अभी इस टाइम पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट का जरूरत है। आप लोगों को मैं बहुत दिन से एडिटिंग सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्प करो मुझे, क्योंकि हेल्प का जरूरत है भाई, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। तो जो भी है गाइस, बहुत बकबक कर लिया, जो भी मन में था आप लोगों को बोल दिया, अब बाकी तो भाई आप लोगों के हाथ में जो है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा रॉ फोटो, इसके अंदर सिर्फ एक काम करके रखा हूँ पहले से ही, जो है भाई फेस स्मूथ। एंड जिन लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, जाके देख सकते हो। एंड ये वाला फोटो को यहाँ पर सिंपली शेयर करके लेकर जाऊंगा स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर आ गया हूँ। अभी आप लोगों को इस फोटो का पहले लाइट एडजस्टमेंट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पर पेन आइकन के अंदर क्लिक करना है एंड ट्यून इमेज के अंदर जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंपली हल्का सा ब्राइटनेस ऐड करूंगा, कुछ यहाँ पर मैं लगभग 25 तक ऐड कर लेता हूँ। एंड कॉन्ट्रास्ट हल्का सा यहाँ पर मैं डिक्रीज करूंगा, लगभग यहाँ पर 5 तक, तो आप लोग अपने फोटो के मदद से कर लेना। एंड सेचुरेशन हल्का सा यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लगभग यहाँ पर 10 या 12 तक, ठीक है। एंड एम्बियंस को हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज करूंगा, लगभग यहाँ पर 30 तक इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पर हाईलाइट हल्का सा ऐड करूंगा, कुछ इतना 12 तक, और यहाँ पर शैडो हल्का सा इंक्रीज करूंगा, लगभग 20 तक, ठीक है। एंड डन कर दूंगा। डन करने के बाद अभी से देख सकते हो गाइस बिफोर एरा आफ्टर, बिफोर आफ्टर। यहाँ पर लाइट एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये जो फेस है फेस को ठीक करना होगा। आप लोग अगर फेस डार्क है या एक साइड व्हाइट है एक साइड डार्क है तो वो भी फिक्स कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट होता है भाई, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर पेन आइकन के अंदर जाके ये जो सिलेक्टिव वाला टूल मिलता है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो इसीलिए आता हूँ यहाँ पर, तो सिंपली सिलेक्टिव वाला टूल के अंदर क्लिक कर लूँगा एंड फेस को यहाँ पर मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। गाइस देख सकते हो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ वर्क हो गया है। अभी सिंपली आप लोगों को शेयर वाले बटन पे क्लिक करना है और आप लोगों को इस फोटो को लेकर जाना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर स्नैपसीड से शेयर करके फोटो को यहाँ पर मैं लाइट रूम के अंदर ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को पहले काम करना होगा कलर का, क्योंकि लाइट का जो मतलब जो लाइट एडजस्टमेंट है वो तो भाई स्नैपसीड से ही कर लिया था। तो अभी यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली कलर वाले टूल के अंदर जाऊँगा एंड मिक्स टूल के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद ह्यू को हल्का सा आप लोगों को कम करना होगा यहाँ से, और यहाँ पर सैचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर लूँगा और लुमिनेंस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूँ। एंड आऊँगा यहाँ पर ऑरेंज कलर के अंदर, ऑरेंज कलर का सैचुरेशन हल्का सा कम रखूँगा, और फेस को व्हाइट करने के लिए फेस के अंदर लाइट डालने के लिए सिंपली लुमिनेंस को हल्का सा इंक्रीज करूंगा यहां पर, कुछ यहां पर लगभग 25 तक कर लेता हूं मैं। तो यहां पर देखिए, तो जो फेस का कलर है यहां पर ओरिजिनल नहीं लग रहा है भाई, मतलब येलो टाइप का हो गया है फेस। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मैं दिखाता हूं गाइस। आप लोग अगर ऐसा हो रहा है तो यहां पर जो ऑरेंज का ह्यू है, ठीक है, इसको हल्का सा यहां पर कम कर दो, तो हल्का सा यहां पर पिंकिश टोन आ जाएगा, यहां पर देख सकते हो गाइस, ठीक है। यहां पर ऑरेंज टोन हल्का सा आ रहा है, तो कुछ इतना आप लोगों को यहां पर मैं 25 तक माइनस कर लेता हूं। अभी ठीक ठाक लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सैचुरेशन कुछ ज्यादा ही कम हो गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहां पर मैं कुछ इतना रखता हूं, ठीक है भाई, 4 तक माइनस रखता हूं। अभी यहां पर सिंपली आएंगे येलो कलर के अंदर, येलो का जो ह्यू है यहां पर मैं इंक्रीज करना चाहूंगा, लगभग यहां पर मैं 20 या 19 तक इंक्रीज कर लेता हूं, और सैचुरेशन यहां पर डिक्रीज करूंगा लगभग 30 या 31 तक, और लुमिनेंस यहां पर कुछ नहीं करेंगे, आ जाएंगे यहां पर सिंपली ग्रीन कलर के अंदर। ग्रीन कलर का जो ह्यू है, ह्यू को यहां पर 40 तक माइनस कर दूंगा, ठीक है, कुछ इतना 40 या 41 तक यहां पर मैं कुछ इतना कर लेता हूं भाई, 40 तक, ठीक है। और सैचुरेशन यहां पर 60 तक इंक्रीज करूंगा, ठीक है, मैं कुछ इतना कर लेता हूं 60 तक, ओके, यहां पर हो गया। अभी ब्लू कलर के अंदर आएंगे एंड हल्का सा सैचुरेशन इसका डिक्रीज करेंगे हल्का सा, ठीक है, और यहां पर ह्यू को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अभी यहां पर आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आप लोगों को यहां पर वाइब्रेंस इंक्रीज करना है, तो वाइब्रेंस यहां पर मैं लगभग 32 तक इंक्रीज कर लेता हूं, और जो यहां पर सैचुरेशन मिलता है उसको हल्का सा आप लोगों को डिक्रीज करना होगा, ठीक है, -8 तक डिक्रीज कर दिया हूं। एंड टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज कर लेता हूं एंड टिंट को हल्का सा डिक्रीज कर लेता हूं, ठीक है, कुछ इतना। आप लोगों को और यहां पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इस फोटो को सेव कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ फोटो को यहाँ से, ठीक है।
एंड सेव करने के बाद इस फोटो को लेकर जाना होगा आप लोगों को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए पिक्सार्ट के अंदर चलते हैं। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्सार्ट के अंदर फोटो को ओपन कर लिया हूँ। कर लेने के बाद आप लोगों को पहले क्या करना होगा, यहाँ पर इफेक्ट के अंदर जाना होगा। एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग को नीचे लाइन में देख सकते हो गाइस यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को मिलता है कलर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर चूज करना होगा, चूज करने का थर्ड नंबर वाला ऑप्शन जो देख सकते हो गाइस कलर रिप्लेस, ये वाला इसके ऊपर चूज कर लेना होगा। एंड यहाँ से आप लोगों को ये जो आप लोगों को राउंड मिलता है मतलब कलर पिकर मिलता है, आप लोगों को कलर को यहाँ से पिक करना होगा कि कौन सा कलर चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिप्लेस ह्यू मिलता है और मीन ह्यू मिलता है और मैक्स यहाँ पर ह्यू मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिप्लेस ह्यू है उसको यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं 95 तक रखता हूँ ऐसे। तो आप लोग जो रिप्लेस ह्यू है इसको चेंज करके कुछ भी कलर रख सकते हो। देख सकते हो गाइस सभी कलर यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर, यहाँ पर ऑरेंज कलर, पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को पसंद है रख सकते हो, लेकिन ये वाला ये जो कलर है भाई ये मुझे पसंद आया था। और रखने के बाद यहाँ पर सिंपली ऊपर से यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद आप लोग को और एक काम करना है यहाँ पर, जो है यहाँ पर गाइस यहाँ पर जो कलर राइज, यहाँ पर देख सकते हो गाइस कलर राइज मिलता है, यहाँ पर आना है आप लोगों को सिंपली एंड इसका फिर से एक बार क्लिक करना है, सेटिंग ओपन हो जाएगा इसका। एंड फेड को आप लोगों को हल्का सा यहां पर कम कर लेना होगा, लगभग 60 तक कर लेता हूं। एंड ह्यू यहां पर आप लोगों को चेंज करके लगभग आप लोगों को यहां पर कुछ इतना रखना है, ठीक है, 200 यहां पर 30 तक। और जो यहां पर फेड है हल्का सा और कम कर लेता हूं मैं गाइस, यहां पर मैं कुछ यहां पर 75 तक रख देता हूं, ठीक है। रखने के बाद यहां पर आप लोगों को इरेज वाला ऑप्शन के अंदर जाना है और आप लोगों को यहां पर इन्वर्ट कर लेना होगा एंड रिस्टोर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप लोग साइज अपने मुताबिक से रख लेना और हार्डनेस यहां पर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं एंड फेस के अंदर ये अप्लाई कर देना, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो पूरा कर लिया हूँ एंड यहाँ से डन कर देता हूँ। एंड इसका जो ओपासिटी है हल्का सा ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा कम कर लेता हूँ, मतलब फेड को हल्का सा कम कर लेता हूँ एंड यहाँ पर 85 तक रखता हूँ। एंड जो यहाँ पर ह्यू है ह्यू को भी हल्का सा यहाँ पर देख लेता हूँ, भाई मुझे कुछ अलग ही लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 270 तक रखता हूँ भाई, ठीक है, ये अभी ठीक लग रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपका जो भी फेस का कलर रखना चाहते हो एंड यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के बाद आप लोगों को लास्ट एक चीज़ करना है जो भाई PNG ऐड करना, ठीक है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड फोटो ऑप्शन से ऐड कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दो PNG ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। जो लाइट PNG पहले इसको यहाँ पर जूम करेंगे एंड इसका जो यहाँ पर ब्लेंड मोड है चेंज करके स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस साइड से कुछ इस तरीके से। तो स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह से लगा लेंगे भाई। लगा लेने के बाद इसका जो ओपासिटी मुझे ज़्यादा लग रहा है हल्का सा कम कर लेता हूँ यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से। कम कर लेने के बाद ये जो भाई PNG है थोड़ा सा, ये जो भाई ये जो लाइट PNG थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा ओपासिटी और कम कर लेता हूँ, कुछ इतना रखता हूँ। एंड ये जो PNG है इसको पूरा फोटो के अंदर लगाना होगा, पूरा जूम करना होगा आप लोगों को कुछ इस तरीके से। एंड ब्लेंड मोड को चेंज करके आप लोगों को सिंपली यहाँ पर कर देना होगा स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इसका भी आप लोगों को जो इसका ओपासिटी है हल्का सा कम करना है, कुछ आप लोगों को 50 के बीच में रखना है, ठीक है। एंड इरेज वाला ऑप्शन पर जाना है आप लोगों को एंड सिंपली आप लोगों को जो बॉडी के ऊपर आ रहा है उसको इरेज कर लेना होगा, मतलब फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर लेग्स के ऊपर आ रहा है उसको सिंपली इरेज कर लेना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इरेज कर लेने के बाद आप लोगों को सिंपली डन करना है। यहाँ से भी आप लोगों को जो ओपासिटी हल्का सा और कम कर लेता हूँ भाई, कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, कुछ इतना रखता हूँ मैं एंड डन कर देता हूँ। डन करने के बाद अभी आप लोगों को यहाँ पर ऐड थोड़े से और एक PNG ऐड करना है। सो गाइस देख सकते हो ये रहा PNG फ्लावर का, इसको ऐड कर लिया हूँ। करने के बाद आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से लगा देना होगा यहाँ पर नीचे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों का अगर ऐसा बैकग्राउंड है मतलब नीचे से फोटो क्लिक किए हो नेचुरल बैकग्राउंड है तो आप लोग लगा सकते हो। अगर लगाने का जगह नहीं है या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देख लेना एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। डुप्लीकेट के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेना है एंड इसको इधर ले आना है और यहाँ पर सिंपली फ्लिप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फ्लिप कर लेना, मतलब उल्टा कर लेना है एंड जूम करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं लगा दूंगा कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर मैं डन कर दूंगा सिंपली। डन करने के बाद अभी आप लोगों को जाना होगा यहाँ पर इफेक्ट वाले ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर आप लोगों को सिंपली ब्लावर चूज करना होगा एंड यहाँ पर हल्का सा ब्लावर यहाँ पर ऐड करना होगा आप लोगों को फ्लावर्स के ऊपर, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर ब्लावर यहाँ पर लगभग मैं 5 तक रख लेता हूँ ब्लावर को और यहाँ पर इरेज ऑप्शन पर जाता हूँ एंड इन्वर्ट कर लेता हूँ एंड रिस्टोर टूल पर जाता हूँ। साइज अपने मुताबिक से आप लोग रख लेना एंड हार्डनेस को थोड़ा सा फुल कर लेता हूँ हल्का सा एंड जो ये फ्लावर्स है भाई इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ताकि एकदम बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए, लगे कि भाई हाँ ओरिजिनल है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लिया हूँ एंड यहाँ से भी कर लेता हूँ। तो ये वाला फोटो पोस्ट किया था इंस्टा पर, किसको किसको लगा था कि भाई ये ओरिजिनल फ्लावर्स है बताओ मुझे कमेंट करके, ठीक है। और जिसको नहीं लगा था भाई फेक लगा था वो भी मुझे बताना कमेंट करके जरूर। तो कर लिया हूँ मैं, देख सकते हो गाइस यहाँ पर और यहाँ से डन कर देना है, यहाँ से भी डन कर देना है। अभी देख सकते हो गाइस फोटो कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हो बिफोर मतलब जो पहले भी वॉक किया था, अभी लाइट रूम के अंदर जो आके किया भाई यहाँ से यहाँ तक भाई, ठीक है, बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर। लेकिन भाई रुको, यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है थोड़ा सा हल्का सा अलग लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को बाकी तो भाई दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग कलर को चेंज कर सकते हो, तो आप लोग देख लेना आप लोग कौन
कौन सा कलर रखना चाहते हो बैकग्राउंड में, या कौन सा कलर आप लोगों को पसंद है, कौन सा कलर आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोगों को सिखाई देंगे कलर कैसे चेंज करना है। तो थोड़ा सा कलर मुझे अलग लग रहा है यहाँ पर, जो मेरा फोटो ओरिजिनल था उससे। तो जो भी है गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल के अंदर नया चैनल का सब्सक्राइब कर देना, और हाँ गाइस एक कमेंट कर देना, ठीक है, कि आप लोगों को ये मतलब वीडियो कैसा लगा, नहीं लगा, और आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी मुझे आप लोग बता सकते हो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।